हेलो गाइस, आज हम एक्सेल के शॉर्टकट सीखते हैं। ये शॉर्टकट अगर हम एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं तो हमारा जो ऑफिस वर्क है आसान हो जाएगा और उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि अप्लाई फिल्टर। देखिए, फिल्टर को हम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम डेटा पर आए, हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ हमने यूज़ किया, तो ये देखिए ये फिल्टर हमारा लग चुका है। उसी प्रकार से हम इस फिल्टर को कंट्रोल शिफ्ट एल से रिमूव भी कर देंगे। अगर हमें बीच में कोई फिल्टर लगाना हो तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल सेलेक्ट करके अगर लगाएंगे तो आप कहीं भी फिल्टर लगा सकते हैं। हम दूसरा शॉर्टकट देखते हैं जो गो टू लास्ट रो है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी रेंज की लास्ट रो पर जा सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, अप हो, डाउन हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसके लिए हमें कंट्रोल और डाउन एरो का यूज करना है। तो देखिए हम लास्ट रो पर यहाँ आ चुके हैं। उसी प्रकार से हम एक और बार प्रेस करेंगे तो ये सबसे लास्ट की जो रो है यहाँ पर हम आ चुके हैं। वापस से हमें जाने के लिए कंट्रोल अप करना पड़ेगा, यानी अप एरो करना यूज करना पड़ेगा, और हम लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन के अंदर हम जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल और लेफ्ट राइट डाउन एरो इनका यूज करते हुए। ओके, उसके बाद है सेलेक्ट रेंज। देखिए इसी इसी ट्रिक को यूज करते हुए हम अगर शिफ्ट का यूज करेंगे तो वो उस लास्ट रो तक हमारा डेटा सेलेक्ट करके देगा। जैसे अगर हम यहाँ से करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट का यूज करते हैं और डाउन एरो यूज करते हैं, तो ये देखिए ये इसने डेटा सेलेक्ट किया है। दूसरा हम देखते हैं गो टू नेक्स्ट शीट। देखिए इसके अंदर क्या है, अगर हमें शीट चेंज करनी हो तो हम सिंपली कंट्रोल पेज अप पेज डाउन का यूज कर सकते हैं। पेज अप का यूज करेंगे तो नेक्स्ट प्रीवियस शीट पर चले जाएंगे, पेज डाउन का यूज करेंगे तो हम नेक्स्ट शीट पर जाएंगे। तो पेज अप पेज डाउन कंट्रोल के साथ, इससे शीट चेंज होंगी हमारी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कन्वर्ट रेंज इनटू टेबल। देखिए ये टेबल हमारे पास दी हुई है, इसको हम टेबल के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल टी का यूज करेंगे, ये एक शॉर्टकट है। ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये टेबल में आ गया। टेबल से क्या होता है, हम कोई भी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, जैसे कि हमें कोई भी फॉर्मेटिंग है, सपोज कि जब हमने ये फॉर्मेटिंग ली, तो यहाँ पर जब हमने ये फॉर्मेटिंग ली तो ये देखिए हमारा ऑटोमेटिकली डिजाइन आएंगे। तो टेबल में क्रिएट करने से फायदा ये होता है कि हम कोई भी डिजाइन बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं, जो पूरी रेंज पर अप्लाई हो जाएगा, पूरी टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। और इस रेंज को अब हम इस टेबल को हम रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि डिजाइन के अंदर हम जाएंगे तो कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो ये देखिए यस करेंगे तो वैसे ही हमारे पास यहाँ आ चुका है, ये हमारी रेंज बन चुकी है। उसके बाद हम ऑटो सम यूज करेंगे। ऑटो सम क्या है कि ये हमारे पास एक अमाउंट दिया हुआ है, एक बार इसका ग्राउंड टोटल चाहिए, टोटल चाहिए, तो ऑल्ट इक्वल टू का यूज करेंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने रेंज सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस करेंगे तो इसका टोटल आ चुका है। ऑल्ट सम के लिए हम ऑल्ट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू में क्या होगा, हमने ये फॉर्मूला लिया, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो देखिए ये जो है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास पेस्ट हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू पेस्ट नहीं हुई। वैल्यू क्या है, 98240। इसके लिए हम कॉपी करेंगे वापस से और यहाँ पर आएंगे, ऑल्ट ई एस वी का हम यूज करेंगे। इसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फॉर्मूले की जगह हमारा यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, 98240। उसके बाद है इंसर्ट डिलीट कॉलम रो। देखिए इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर कोई कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे, लेकिन हमें कॉलम सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो ये जी और एफ के बीच में कॉलम इंसर्ट होगा, ये देखिए ये कॉलम इंसर्ट हुआ। उसके बाद हम इस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस का यूज करेंगे तो डिलीट भी हो गया। ओके, तो ये सेलेक्ट करने के बाद ही हमें कंट्रोल माइनस या कंट्रोल प्लस का यूज करना है डिलीट या फिर इंसर्ट करने के लिए। उसी प्रकार से रो का भी ये कॉन्सेप्ट है, रो को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास रो इंसर्ट हो चुकी है। उसी प्रकार से हम वापस से सेलेक्ट करेंगे और उसको कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। तो आई होप ये जो शॉर्टकट्स हैं आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।